नमस्कार, आप देख रहे हैं 11 न्यूज और आपके साथ मैं हूं अनुराधा। हमारे खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। भारतीय इतिहास के पन्नों में 16 दिसंबर 2012 का वो काला दिन इस पन्ने में दर्ज हो गया है जिसने पुरुष सत्ता और सामंती मानसिकता के कीचड़ में मदमस्त डूबे भारतीय समाज को झकझोर कर रख दिया था। इसे एक दुर्घटना कहना शायद गलत है, क्योंकि एक अमानवीयता की वो पराकाष्ठा थी जिसने न्याय प्रणाली को भी हिला कर रख दिया। न निर्भया कांड को आसानी से भूला जा सकता है, ना ही इसे भूलना संभव है। दुष्कर्म के लगातार बढ़ रहे मामलों के कारण ये पुराना घाव कई बार हरा हो चुका है और अब आगे भी होता रहता है। इस बर्बर कांड के बाद सड़कों पर हजारों युवा उतरे, नारे बुलंद किए गए, लाठियां भी खाई गई और कड़ाके की ठंड में जलतोप की बौछारों में भी लोग भीगे। देश के कई शहरों में भी प्रदर्शन हुआ, लेकिन दुष्कर्म का सिलसिला थमा नहीं। दिल्ली का निर्भया गैंगरेप कांड के घाव आज भी रुक रुक कर हरे हो जाते हैं। जिस अमानवीयता के साथ उसके साथ गैंगरेप हुआ, जिससे कि उसकी जान तक चली गई, आज भी उस दर्द के इंसाफ के लिए उसके माँ बाप भटक रहे हैं। उनका सबसे बड़ा दर्द यही है कि नाबालिग रेपिस्ट की रिहाई हो चुकी है। वो ये चाहते हैं कि उसकी रिहाई अभी जेल से ना हो, लेकिन कानून अपनी बेबसी दिखा करके उसकी रिहाई करने जा रहा है। उधर निर्भया के माँ बाप की उम्मीदें टिकी थी कि दिल्ली हाई कोर्ट पर, जिसने उनकी उम्मीदों को पूरी तरीके से तोड़ दिया और नाबालिग रेपिस्ट की रिहाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सवाल यही है कि कैसा इंसाफ, और ये सवाल शायद दूसरा या तीसरा हो सकता है। सबसे पहली बात और सबसे पहला सवाल तो ये होना चाहिए कि क्या ना इंसाफी जो हुई है उसके लिए जिम्मेदार कौन है। दिल्ली गैंग रेप के मामले में नाबालिग दोषी रविवार को रिहा होगा और दिल्ली हाईकोर्ट ने उसकी रिहाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। आपको ये भी बता दें कि सुधार गृह में 3 साल रखने की सजा उसकी पूरी हो चुकी है। केंद्र सरकार ने इस मामले में नाबालिग दोषियों की रिहाई का विरोध किया था और यह भी कहा था कि पहले वो खुद को सुधारने का भरोसा दिलाए, और फिर इस फैसले के बाद गैंगरेप पीड़िता के माता पिता ने यह कहा कि उन्हें इंसाफ नहीं मिला है, उन्हें अब आगे की और लड़ाई किस तरीके से लड़नी है इस बारे में वो अपने वकील से बात करेंगे, उसके बाद कोई फैसला लेंगे। केंद्र ने नाबालिग दोषी को बाल सुधार गृह में रखे जाने की अवधि बढ़ाए जाने से सीधे तौर पर इनकार कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट से यह अपील भी की गई थी। केंद्र ने यह कहा था कि नाबालिग दोषी को रिहाई के बाद उसके पुनर्वास की योजना में कुछ आवश्यक बातें हैं जो कि नादारद नजर आ रही हैं, जिसके बिना पर यह कहा जा रहा है कि अभी इस रिहाई को रोका जाना चाहिए, इसे रोके जाने की आवश्यकता है। वहीं दिल्ली सरकार ने नाबालिग दोषी की रिहाई होने पर उसके पुनर्वास के लिए योजना तैयार कर रखी है। आपको बता दें कि नाबालिग रेपिस्ट के रिहा होने पर उसे सिलाई मशीन और 10,000 रुपए दिए जाएंगे, जिससे कि वो अपने जीवन की नई शुरुआत कर सके। तो इस मामले में 16 दिसंबर के बाद क्या कुछ हुआ, उस पर हम इस कार्यक्रम में नजर डालेंगे। साथ ही नजर इस बात पर भी रहेगी कि अगर ये परिवार अभी भी इंसाफ की गुहार लगा रहा है और ये कह रहा है कि इंसाफ नहीं हुआ है, तो ये किस बिना पर कहा जा रहा है। वहीं इस मामले में पीड़ित निर्भया के परिवार के लोग इंसाफ न मिलने से बेहद आहत हैं। निर्भया की माँ का ये कहना है कि वक्त बदला, समाज बदल रहा है, लेकिन इंसाफ की प्रक्रिया अभी भी बिल्कुल वैसी है, मायूस करने वाली है। निर्भया की मां आशा देवी से हमारे संवाददाता मोहित शुक्ला ने बात की है, आइए देखते हैं। दामिनी मामले को आज 3 साल हो चुके हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए दामिनी की मां खुद मौजूद हैं। मैम, अगर बात की जाए, आज 3 साल बीत चुके हैं, कितने हालात बदले हैं? कुछ भी नहीं बदले। अगर कुछ भी बदला होता तो निर्भया के मुजरिमों को सजा हुई होती। जो भी बदला है वो कागजों में है और हमारे प्रतिनिधियों के जबान पे है, बाकी असल में कुछ भी नहीं हुआ। उस पूरे घटनाक्रम में देखा गया कि जो जुवेनाइल था उसने बहुत घिनौना कृत्य किया था और उसकी आज सजा भी पूरी हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि जो जुवेनाइल है उनके खिलाफ किस प्रकार के कदम उठाने चाहिए, कैसे कानून बनाने चाहिए? रेप और बलात्कार की कोई उम्र नहीं है, कोई सीमा नहीं है, उसी तरह सजा के लिए भी कोई सीमा नहीं होनी चाहिए, कोई उम्र नहीं होनी चाहिए। जैसा क्राइम वैसा सजा।
क्या आपको लगता है कि सरकारें बदलने के बाद, हुकूमत बदलने के बाद हालात भी बदले हैं? क्योंकि लगातार जो क्राइम के रिकॉर्ड्स अगर हम देखें, दिल्ली में सबसे ज़्यादा बलात्कार के मामले सामने आ रहे हैं। नहीं, सरकार बदल गई, सब कुछ बदल गया, समय बदल गया, आज 3 साल हो गया, लेकिन जो हालात है आज वहीं के वहीं खड़े हैं। महफूजियत की बात की जाती है, लेकिन जब 5 साल, 2 साल, 3 साल, 3 महीने की बच्चियों के साथ बलात्कार के मामले सामने आते हैं, आपको क्या लगता है कितने महफूज हैं हम, दिल्ली हो या देश हो? हमें नहीं लगता है कि कहीं भी हम महफूज हैं, बच्चियां तो बिल्कुल नहीं महफूज हैं। तो इसलिए सबको मिलके इस पे काम करना होगा, ठोस कदम उठाना होगा। इसमें सबसे बड़ी जो है सरकार और कानून व्यवस्था की जो लचर व्यवस्था है उसको। तो निर्भया की माँ को सुन रहे थे आप, और निर्भया को इंसाफ नहीं मिला इस बात को एक तरफ रख दें, और दूसरी तरफ निर्भया की मां के अगर डर की बात करें, आशा देवी के डर की बात करें, तो सबसे बड़ा डर यही है कि निर्भया जैसा कोई और मामला सामने ना आए, उनकी बेटी जैसा शिकार इस मामले में कोई और ना बने। बहरहाल इस कार्यक्रम में हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं स्टूडियो में, उन सबसे आपका परिचय करवा दें, क्योंकि पूरे 1 घंटे तक हमारी चर्चा इसी मुद्दे पर होने वाली है। और हमारे साथ जो मेहमान हैं, सुंदरी ठाकुर जी हमारे साथ हैं, समाज सेविका हैं और नारी सम्मान संगठन चलाती हैं। ये पूरी तरीके से नारी के उत्थान के लिए किस तरीके से संगठन काम करता है, हमारे साथ इस चर्चा में वो शामिल रहेंगी। इसके अलावा नाज़नील खत्री हमारे साथ हैं, जो कि वकील हैं बॉम्बे हाईकोर्ट से, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे। कानूनी पहलू क्या कहता है इस पूरे मामले में, एक नाबालिग के बालिग हो जाने पर, उसे रिहा करने पर, और वो भी इस तरीके के ब्रूटल रेप के मामले में, इस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही रईस खान साहब हमारे साथ जुड़े रहेंगे, और एनजीओ चलाते हैं, ये सोशल एक्टिविस्ट हैं और उसके साथ ही एडवोकेट भी हैं। तो चर्चा की शुरुआत मैं करना चाहूंगी सुंदरी ठाकुर जी आपसे, समाज सेविका हैं आप, जो सवाल है हमारा वो ये कि क्या 3 साल बाद भी जब हम पीछे पलट के देखते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इंसाफ हुआ है? क्योंकि अचानक से आवाज उठी 16 दिसंबर के बाद, और ये कहा गया कि इस मामले में कुछ तो ऐसा बदलाव होना चाहिए, कुछ तो ऐसा फैसला होना चाहिए जो ये साबित कर दे कि अगर मामला कभी ऐसा नहीं आया तो कम से कम जो फैसला आया हो वो भी ऐसा हो कि अपने आप में ऐतिहासिक हो। आपको लगता है ऐसा कुछ हुआ? 3 साल पहले भी मैं इसी जगह बैठी थी, स्टार न्यूज सारे चैनल पे भी कहा मैंने, और शायद उसकी जो अभी बेटी की जो माँ है, जो उन्होंने कहा कि जो था, जहाँ थे, जहाँ खड़े थे वहीं खड़े हैं अभी। इतना ज्यादा मैंने रात को जब टीवी पे खुद देखा ये न्यूज में कि वो लड़का छूट रहा है, तो आई एम शॉक्ड कि मतलब ये कुछ समझ में नहीं आया। इतना होने के बाद 3 साल से जो सफर कर रहा है, बेटी एक मर जाती है और आज आप उसको नाबालिग कह के 3 साल का पनिश करके आप छोड़ दे रहे हैं जी। लेकिन ये कौन सा कानून है मुझे नहीं समझ में आया। अभी तो और हौसले, जबकि आज तक कुछ ऐसा रुका नहीं, कोई कहीं किसी चीज की कमी नहीं है। डे बाय डे ये बलात्कार, ये सारी चीजें बढ़ती आ रही हैं, इसमें कोई कंट्रोल नहीं हुआ है। और अब इसके बाद आप देखिए कि अब और आगे कितना अच्छा होने वाला है, वो शायद सभी को नजर आ रहा होगा। जो आज ये इंसिडेंट हुआ है कि वो लड़के को छोड़ा जा रहा है, मैं भी इसके खिलाफ हूँ। नाबालिग के लिए भी वही सजा होनी चाहिए जो बालिग के लिए। नाबालिग जब ये चीज कर सकता है तो उसकी सजा क्यों नहीं हो सकती? जैसे उसकी माँ ने कहा कि क्राइम वो छोटा करे या बड़ा करे, क्राइम इज क्राइम। बिल्कुल, तो उसके लिए मैं भी यही कहूंगी। अब मुझे नहीं पता कि हमारे न्यायालय ने क्या सोचकर और क्या ये कानून बनाया है, बट मैं भी इसके खिलाफ हूं कि ये बहुत गलत हो रहा है और ये बहुत ज्यादा आगे गलत होगा। जब निर्भय का हुआ था उसके बाद से आज तक आप लिस्ट देखिए, बहुत ज्यादा, जब इतने होते भी नहीं थे अब इतने ज्यादा रेप, और दिल्ली के अंदर तो इतने रेप होते हैं कि हर डे मुझे लगता है कि 10-20 तो डेली का होता ही है। हालांकि इसके ऊपर जब सफाई दी जाती है तो कहा यह जाता है कि अब लोग इतने जागरूक हो चुके हैं कि वो इस तरीके के मामलों को लेकर के सामने आते हैं, पहले ऐसे नहीं आते थे, इस वजह से मामलों में अचानक से इतनी बढ़ोतरी। लेकिन सुंदरी जी, मैं आगे थोड़ा सा इस चर्चा को ले चलूंगी, नाज़नील जी हमारे साथ हैं, मैं उनसे कानूनी पहलू यहाँ पर जानना चाहूंगी। जैसा कि आशा देवी ने कहा कि जब क्राइम होता है तो सजा क्राइम के लिए होनी चाहिए, आप ये मत देखिए कि वो बालिग है या नाबालिग है, यानी कि अगर आपने सोच से क्राइम किया तो आपकी सोच दोषी है, आप उसको उम्र से कैसे देख सकते हैं? क्या आपको लगता है कि ये जो सोच है, ये जो हमारी न्याय प्रणाली ने एक आधार बनाया है, ये सही है? हालांकि उसको क्वेश्चन करने के लिए हम इतने बड़े नहीं है, लेकिन बावजूद उसके मन में एक सवाल आता है और इसका जवाब मिलना चाहिए। अगर एक वकील के हैसियत से अगर आप मुझे पूछे तो मैं आपसे ये बताऊंगी कि लॉ इज वेरी प्रिसाइज। प्रॉब्लम इज इट हियर
के 6 टोटल अक्यूज थे इसमें जी, ठीक है, जिनमें से 4 को डेथ पेनल्टी मिले हैं और एक जो है जो कि मेन अक्यूज माना जाता था राम, उसने 2013 मार्च में ही खुदकुशी कर ली थी जेल के अंदर, ठीक है। अब एक बच जाता है जो कि आखिरी अक्यूज है जिसको जो कहते हैं दिल्ली हाई कोर्ट रिलीज कर रहा है बिकॉज ही वॉज अ माइनर एट दैट टाइम, ठीक है। सबसे बड़ा मसला यहाँ पर यह आता है कि एज पर जुवेनाइल एक्ट एंड स्पेशल होम एक्ट 3 साल से ज़्यादा उसने नहीं रखा जा सकता, तो जो सेक्शन 15(1) ऑफ स्पेशल होम कहा जाता है उसके अकॉर्डिंग उन्हें वो 3 साल से ज़्यादा रख ही नहीं सकते। इसका मतलब है कि कानून की सीमा ही वहाँ तक है, जब उसके आगे कानून ही नहीं है तो आप कहाँ से बोलेंगे। इसका ऑलरेडी एक कानून जो कि राज्यसभा में पेंडिंग है जिसमें ये लिखा गया था कि 16 से लेकर 18 ईयर्स के एज के जो बच्चे हैं अगर वो कोई हीनियस क्राइम करते हैं, चाहे वो रेप हो, मर्डर हो, कॉन्स्पिरेसी, एनी काइंड ऑफ थिंग, तो उसको एडल्ट में काउंट किया जाए, बट दैट इज स्टिल पेंडिंग बिफोर दी राज्यसभा। जब वो कानून पास नहीं हुआ तो हम आगे किस चीज को करेंगे। देखिए शुरुआत से ही हमने इसको देखा है राजनील कि इस पूरे मामले को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट में देखा जा रहा था, तो उम्मीद भी इसी हिसाब से की जा रही थी कि शायद अब तक जो फैसला नहीं आया वो इस मामले में आएगा, और यही वजह है कि शायद इतनी निराशा है निर्भया के परिवार वालों को कह लीजिए, समाज में कह लीजिए, देशवासियों में कह लीजिए। मैं मानती हूँ ये निराशा और सही बात है कि उनकी बेटी का भरपाई तो कोई भी नहीं कर सकता, कोई चाहकर भी नहीं कर सकता, कितना भी कर ले कुछ भी, पर सिर्फ एक ही चीज़ यहाँ के आ जाती है कि हमारा कानून जो जल्द से जल्द बनता तो शायद उसका रिजल्ट आज कुछ और निकलता, वो कानून ही नहीं बना। ये तो पॉलिटिकल पार्टी, जब राज्यसभा में एक चीज पेंडिंग है तो उसको आप उसका एक रिजल्ट निकाल दो, जब एक रिजल्ट निकल जाएगा तो जाहिर सी बात है कानून बन जाएगा, डेफिनेटली कोर्ट इज गोइंग टू फॉलो दैट लॉ बिकॉज एज पर इंडियन लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बियॉन्ड द लॉ कोई नहीं जा सकता। अब जब लॉ ही कहता है कि उसको वो 3 साल से ज्यादा नहीं रख सकते तो हम क्या कर सकते हैं। सेकेंडली जब अगर उसको छोड़ा जा रहा है तो ये कोई ये ना सोचे कि वो फ्री हो जाएगा। आपको पता है एनजीओज, स्पेशल होम, एवरीथिंग जितने हैं सबको क्वार्टरली उसकी रिपोर्ट सबमिट करनी होगी कि वो क्या कर रहा है, उसके पेरेंट्स से मिलकर उसकी काउंसिलिंग करनी होगी कि व्हाट काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट इज हैपनिंग इन हिम, राइट। तो अगर हम कानून देखते हैं तो हमारी वहां सीमा रुक जाती है क्योंकि वो कानून ही नहीं बना है तो हम कहां जाएंगे। बिल्कुल समझ के, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि जो राज्यसभा में ये बिल पेंडिंग है उसको कुछ भी करके जितना जल्द से जल्द हो सके उसको अमेंड करें। जब अमेंडमेंट होगा तो जाहिर सी बात है हम लॉ को चैलेंज करने भी जा सकते हैं। जी जी जी। अब जब चैलेंज ही उसी बार आप करोगे जब आपके पास है, जब आपके पास है ही नहीं तो आप चैलेंज करने क्या जाओगे। रईस खान साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। रईस खान साहब, आपसे मेरा ये सवाल है कि निर्भया की माँ यानी कि आशा देवी भी इस बात को कह रही हैं कि सरकार बदल गई, नई सरकार आई, उससे भी उम्मीद थी लेकिन कुछ नहीं हुआ। क्या ये मान लिया जाए कि जिस बिल का हम इंतजार कर रहे थे, जिस बदलाव का हम इंतजार कर रहे थे, शायद वहां पर ही बदलाव नहीं हुआ जिसकी वजह से आज तक हम इंसाफ का मुंह देख रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि आखिर इस मामले में इंसाफ कब होगा। हेलो, हाँ सही, ये तो करेक्ट है कि आज हम सब पूरी जनता हिंदुस्तान की आज इस सोच से अभी तक निभर नहीं पाई है कि उस वक्त क्या हुआ था, और जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। जैसे नाजनीन जी से मैं इत्तेफाक रखता हूँ, उन्होंने अभी कहा कि जो बिल पेंडिंग पड़ा है डेफिनेटली उस बिल को पास करना चाहिए, इसमें हम ही इसके पीछे हैं, कोई गैर नहीं है, क्योंकि हम भी, हमको आम जनता हमको चुनती है और हम जाके उस स्थान उस प्लेस पे बैठते हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि ऐसा लॉ पास करें जिससे सीधे पब्लिक को डायरेक्ट उसका बेनिफिट मिले। और मैं आपको बताना चाहूँगा, लोगों की चिंता जो है वो जायज़ है लेकिन उस चिंता से निकलने के लिए डिवीजन बेंच दिल्ली हाईकोर्ट ने भी डायरेक्शन दिया है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को कि आप लड़के से मिलो जो आप बाहर आ रहा है, उसके पेरेंट्स को मिलो और जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है वुमेन्स एंड चाइल्ड का उनसे, कि ऐसा क्या बनाया जाए, कुछ ऐसे प्लान्स किया जाए और इसकी निगरानी की जाए कंटिन्यू कि वापस समाज में ऐसा कुछ वो करने के लिए सोच रहा है या फिर नहीं सोच रहा है, या फिर 3 साल जो अंदर था ऑब्जर्वेशन में उसके अंदर चेंजेस आए क्या। अगर सच में अगर कुछ चेंजेस है तो उसकी हेल्प करो ताकि नेक्स्ट ऐसा कुछ क्राइम ना करे, और अगर करने भी जा रहा है तो ऐसा कुछ करो कि वापस वो चीज़ हैपेंड नहीं होनी चाहिए। और बात बिल की है तो डेफिनेटली ऐसा बिल आना चाहिए, ऐसे बिल को मुझे लगता नहीं कि अपोजिशन में किसी को अपोज करने की ज़रूरत है क्योंकि 16-18 ईयर्स में अगर कोई बंदा क्राइम करता है और वो क्राइम बहुत बहुत ज़्यादा सीरियस है तो उसको उसी ऑफेंस के हिसाब से उसको पनिशमेंट भी मिलना चाहिए, डेफिनेटली मिलना चाहिए, जो चीज़ अभी पेंडिंग है पास नहीं हुई है। तो मेरा यही मानना है कि इस मैटर में कि उसकी माँ को कुछ ज़्यादा ही उम्मीद था,
सच में यहाँ पे न्याय होना चाहिए था और न्याय हुआ ऐसा नहीं लेकिन हुआ तो है। क्या हम इस बात को बेमानी समझ लें कि अब तक हम बढ़ चढ़ कर और राजनेता भी इस बात के दावे कर रहे थे कि उनका जो इमोशन लेवल है जो भावुकता है उनकी वो निर्भया के साथ जुड़ी हुई है उसके परिवार के साथ जुड़ी हुई है लेकिन जो वो कर सकते थे वो उन्होंने किया नहीं जो बिल पास हो सकता था वो हुआ नहीं जो एक्ट ला सकते थे वो लाए नहीं तो जाहिर तौर पर ये कह सकते हैं कि बेबुनियादी बातें हैं। वही क्वेश्चन वही है कि सिर्फ हम भाषणों में बोलते हैं आके वादा करते हैं चुनाव के टाइम ये कर देंगे वो कर देंगे लेकिन करने के टाइम वो आपको करना चाहिए बिल जो पेंडिंग पड़ा है उसको पास करना चाहिए क्योंकि वो पब्लिक के फेवर की बात है। सीधी बात अगर बिल पास होएगा तो जो अंडर 18 हैं उनके दिल में भी एक देखा जाए तो डर होएगा कि नहीं अगर हम ऐसा इस तरह का कुछ क्राइम करेंगे तो अभी जूनियर में हमको नहीं मेरा ट्रायल चलेगा हमको कन्विक्शन मिल जाएगी। सीधी बात है जैसे अदर को भी पेनल्टीज मिली है पनिशमेंट मिला है हमको भी वैसे ही मिलेगा। आज इस आरोपी को एडवांटेज मिला क्यों मिला क्योंकि लॉ ऐसा बना है हमारा इसलिए उसको उसने लीगली एडवांटेज उसको मिला है और उनकी माँ को लगता है डेफिनेटली कोई भी माँ होगी उस जगह सबको फील होगा उसको निर्णय और न्याय नहीं मिला है हिंदुस्तान में जबकि ऐसा नहीं है। जो भी कोर्ट के सामने कोर्ट का जो रूल होता है उसने फॉलो किया जजमेंट और लॉ के बेसिस पे जजमेंट और ऑर्डर्स आते हैं डेफिनेटली। लेकिन सुंदरी जी आप भी इस बात का जिक्र कर रही थी कि ऐसा नहीं हुआ कि निर्भया सिर्फ एक रही और वहीं रुक गई निर्भया की संख्या बढ़ती चली गई हजारों में हो चुकी एक तक आज तक इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं आप इसके लिए किसे जिम्मेदार मानती हैं? वो नेता जो मंच पर चढ़कर भाषण तो देते रहे कि उसके साथ इंसाफ होना चाहिए लेकिन इस बारे में कोई कदम नहीं उठाया गया या फिर आप हमेशा की तरह जिस तरीके से कहा जाता है कि कानून व्यवस्था हमारी बहुत ज्यादा लचर है और अक्सर विक्टिम इस बात के लिए कोसते हुए नजर भी आते हैं कानून को कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ क्या कानून व्यवस्था का लचर होना इसके लिए जिम्मेदार है? आप क्या देखती हैं? मैंने आपसे ये कहना चाहूंगी कि ये जो है हमारा अभी जो चल रहा है हमारी सरकार है जो करंट सरकार है पहले वो जब नहीं थी तो उन्होंने कांग्रेस को कोसा अगर हम होते तो ऐसा करते हम होते तो वैसा करते बिल्कुल। अब हमारी बीजेपी सरकार आ गई बीजेपी सरकार में आप देख रही हैं क्या हो रहा है उन्हें अपनी लड़ाई से ही फुर्सत नहीं मिल रही है वो निर्भय के कौन छूट रहा है कौन जा रहा है उन्हें ये भी नहीं पता है क्योंकि केजरीवाल उनको कह रहे हैं वो उनको अपने उससे फुर्सत नहीं मिल रही है अपनी कमेटी बनाने की अपनी सोच करने की तो वो ये चीजें कहां से वो राज्यसभा हो विधानसभा हो कौन सी सभा में वो ला ही नहीं सकते क्योंकि वो उनके खुद के इतने झगड़े के पब्लिक को तो देखना ही उनके लिए इम्पॉसिबल हो गया ना वो देखने की कोशिश कर रहे हैं तो इसलिए बहुत ज्यादा ये दुखद है कि मतलब इतना सोचने के बावजूद इतना ये इस जो निर्भया का हुआ था उसकी जो पेरेंट्स को आप फॉरेन लेके गए ये ना वो इतना तमाशा करने के बावजूद बाकी क्या हुआ जो होना था वही हुआ जो पहले हो रहा था आज भी वही हुआ। मुझे नहीं लगता कि आगे कुछ आएगा रहा कि वो एनजीओस को कोर्ट ने ऑर्डर किए हैं वो फॉलोअप करेगा ये कुछ नहीं होने वाला है। आप भी यही आप फिर मुझे बुलाएंगे इसी के लिए ये फिर वही होगा जो आज हो रहा है और जो पहले हुआ था और आगे भी वही होने वाला है। कोई एनजीओ कितना कौन फॉलो करेगा किसके पास ये फालतूगिरी का टाइम है अब जो सामने खड़ा हुआ है उसको हमारा कानून अब ठीक है मैं मानती हूँ कानून के एक दायरे होते हैं लेकिन कानून की मजबूरी है ठीक है कि राज्यसभा से आपका बिल पास तो लेकिन गलती कहीं ना कहीं किसी की तो है। आप तो ये कानून कह देता है कि जी गवर्नमेंट नहीं चाहती। नाजनीन जी यहाँ आपसे एक सवाल है जब कोई भी आरोपी या जब कोई भी दोषी या अपने एरिया से बाहर जाकर के एक ब्रूटल तरीके से किसी भी क्राइम को अंजाम देता है तो क्या आपको ये नहीं लगता कि यहाँ पर कानून बेहद पंगु नजर आता है कि आप तो अपनी मर्यादा की बात करें और जो क्राइम को अंजाम दे रहा है वो इस तरीके से अपनी हदों को पार कर रहा है कई और लोग वहां से कानून को कमजोर देख रहे हैं और अपने आप को इस बात के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो इस तरीके के क्राइम को अंजाम दे सकते हैं और कानून कुछ नहीं बिगाड़ेगा उनका। एक्चुअली ये हर एक का देखने का नजरिया होता है। अगर एज ए एडवोकेट अगर आप मुझे पूछो तो अगर आप पुलिस स्टेशन जाके आप देखते हो तो डेली इतनी एफआईआर लॉज होती है कि मैं आपसे क्या कहूँ समझे। एक कोई केस आके रजिस्टर होता है तो सिर्फ वो केस नहीं रजिस्टर होता है केस रजिस्टर होने के बाद उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जाती है इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसकी चार्जशीट बनती है। इसका मतलब है कि वो सारी केस को इन्वेस्टिगेट करते हैं और डालते अगर अक्यूज अरेस्ट हो जाता है तो डेफिनेटली ही इज बिहाइंड द बार्स एंड आई हैव सीन दैट कि देर आर सो मैनी पीपल्स दे आर रेपिस्ट मर्डरर दे आर बिहाइंड द बार्स फ्रॉम लास्ट 2-3 ईयर्स पीपल्स आर देयर दे आर नॉट गेटिंग बेल ऑल्सो। इनफैक्ट आजकल तो पॉक्सो मैटर्स बहुत बढ़ गए हैं स्पेशली जो बच्ची नाबालिग बच्चियों के साथ होता है ये इस कदर बढ़ते जा रहा है कोर्ट्स ने इनके लिए स्पेशल कोर्ट्स असाइन किए गए कि फला फला कोर्ट इन्हीं मैटर्स को देखता है। आई डोंट थिंक सो कि ये नहीं हो रहा है रियली दे आर डूइंग देयर वर्क
मैटर्स आर सो मैनी कि डेली कोर्ट्स में मैटर्स का पहुंचना, मैटर्स का रिजल्ट निकलना इम्पॉसिबल हो जा रहा है, बिकॉज डेली इतनी एफ आई आर रजिस्टर होती है कि आपसे क्या कहूँ, और हर मैटर को इन्वेस्टिगेट करना इज रियली अ डिफिकल्ट जॉब, एंड आई डोंट थिंक सो कि द पुलिस आर नॉट, पुलिस आर ऑल्सो डूइंग देयर जॉब वेल, इनफैक्ट द जजेस आर डूइंग, बस मसला ये आ जाता है कि मैटर्स ओवर है. अब आप बताइए, दिन में अगर एक 15 मैटर्स है, अगर एक जज एक मैटर को सुन रहा है, वो मैटर खत्म ही नहीं होता है तो दूसरा मैटर आएगा कहाँ से? और अगर ये हम ही सोच रहे हैं कि भाई नहीं ये हमारा मैटर आज नहीं आया, नहीं, आप ये सोचो कि जो पहला मैटर था शायद आज उसका कुछ हद तक फैसला गया. ये हमारा नजरिया है कि हम ये सोचते हैं कि भाई नहीं कोर्टों में फैसला नहीं मिलता है, लेकिन जब तारीखें खींचेंगी तो बहुत सारी तस्वीरें धुंधली हो जाएंगी, हम ये भी तो नहीं भूल सकते. नहीं, आप ये कैसे कह सकते, अगर इंसान जेल के अंदर है, चार्जशीट बनी है, तो उसे कौन चेंज करेगा? सवाल ही नहीं उठता ना, जो कि चेंज कर सकते हैं. हाँ, दैट इज डिफरेंट थिंग, केस इज नॉट रजिस्टर तब आप ब्लेम कीजिए. अगर एक बार आपकी चार्जशीट बन गई है तो हाउ कैन यू चेंज द पीपल्स. चलिए, रईस खान साहब समाज सेवी हैं आप, और इस बात को बेहद अच्छे तरीके से समझते होंगे कि समाज में हर तरीके के लोग रहते हैं. अगर हम बात कर रहे हैं एक अच्छे समाज की, तो अच्छे लोग भी हैं वहां पर, दोषी भी हैं, आरोपी भी हैं. जब हम इस शख्स की बात करते हैं जो नाबालिग होते हुए गिरफ्तार हुआ और बालिग होने पर छोड़ा जा रहा है 3 साल की सजा पूरी हो जाने के बाद, तो अब सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि जो फैसला और जो सोच रखी जा रही है कि उसे कुछ पैसे दिए जाएंगे, सिलाई मशीन दी जाएगी, उसके पुनर्वास को लेकर के जो चर्चा की जा रही है, आपको ये सही लगता है कि इस तरीके की जो सोच रखी गई है, क्योंकि निर्भया का परिवार पूरे तरीके से इसका विरोध कर रहा है? देखिए, सीधी सी बात, अगर पॉलिटिकली आप सोचेंगे कि पॉलिटिकली सब कुछ बेनिफिट होना चाहिए, और आप बैकअप कीजिए, आप फ्रंट पे मत आइए, पब्लिक को सामने लेके आइए कि नहीं ये पब्लिक का ऐसा कुछ सोच है, तो वो गलत है. अगर पब्लिक के साथ सोचेंगे तो भी ठीक है, क्योंकि हर इंसान की अलग अपनी सोच होती है, और इस मैटर में लोगों को अभी भी ऐसा लगता है कि न्याय नहीं मिला है. और जो पब्लिक आम जनता है, आम जनता जुड़ी होती है मोशन से, अगर इस मैटर में न्याय नहीं मिला है, उसको 3 साल के बाद छोड़ देंगे, 3 इयर्स उसको अपना रिहैब होम में उसको रखे थे, तो सीधी बात है उनको क्या लग रहा है कि 3 साल में इसके अंदर कुछ चेंजेस है, चेंजेस देख के उसको रिलीज कर रहे. तो अब ये चेंजेस सच में है या फिर वो अंदर एक्टिंग कर रहा था, उनको लगता रहेगा कि हाँ ठीक है चलो उसको भी छोड़ देना चाहिए. छोड़ने के बाद उस बंदे के अंदर क्या चेंजेस आता है, नहीं आता है, ये चीज़ पब्लिक के अंदर डर बनी हुई है. अभी भी लोग ये सोच रहे हैं कि इस तरह अगर ऐसे छोड़ देंगे इसको, तो और भी पता नहीं कितने लोग ऐसे क्राइम करके उसमें इन्वॉल्वमेंट उनका होगा, उनकी भी एक सोच होगी कुछ भी करो जाओ और 3 साल के अंदर अब बाहर आ जाएंगे. तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, इस पर एक जो लॉ है जो बना हुआ है, देखिए अभी बहुत. लेकिन रही साहब, एक सोच तो ये भी है कि अगर इस तरीके का दोषी अगर बाहर आता है और उसके पास पुनर्वास की अगर व्यवस्था नहीं है, करने के लिए कोई काम नहीं है, तो ये तो और भी ज्यादा आसान हो जाएगा कि वो क्राइम के दूसरे तरीके ढूंढे अपनी जीविका चलाने के लिए, किसी भी तरीके से. डेफिनेटली उसके पास अगर बेरोजगार रहेगा तो कुछ न कुछ करेगा, इलीगली करेगा, डेफिनेटली वहाँ पे ऑफेंसेस होने के चांसेस है. इसी सोच को लेकर दिल्ली गवर्नमेंट कुछ प्लान कर रही है, अभी देखो क्या इम्प्लीमेंट होता है, कैसे होता है. आपको ये जो दिल्ली गवर्नमेंट प्लान कर रही है, आपको सही लगता है 10,000 रुपया देना, सिलाई मशीन देना? मुझे तो नहीं लगता. ऐसे कितने बच्चे हैं जो अभी तक जेल के अंदर है, जो माइनर है, कितने बच्चे हैं, अभी सबको ये पता चलेगा और सब सोचेंगे अच्छा बिहेवियर करो बस, और किसी का 2 साल रह गया, किसी का 1.5 साल रह गया, किसी का 2 साल रह गया, ये भी मिलेगा यहाँ से, फिर बाद में देखेंगे, फिर अगर कुछ कर दिया तो 3 साल में फिर. ये गलत है, मुझे तो बिल्कुल गलत लगता है, मेरे हिसाब से एकदम गलत बिल्कुल हुआ है. और जो माँ कह रही है शायद वो सही कह रही है कि इंसाफ ना होगा, ना हुआ है और ना मिलेगा. जब अभी आप छोड़ दे रहे हैं, वो कल वो भी अच्छा बिहेवियर करेंगे, बाकी के जो बचे वो भी छूट जाएंगे. हमारा ये हिंदुस्तान में बन चुका है, क्राइम करो जेल चले जाओ, थोड़ा बिहेवियर अच्छा है या किसी का कुछ है वो बाहर आ जाता है, ये नहीं है. इसलिए तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर इतने क्राइम होते हैं. आप देखिए फॉरेन में जाइए, आपने सुना ऑन द स्पॉट, अगर वो लोग वहां, मैंने क्राइम किया और मुझे वहां देख लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया, सारे सबूत मिल गए, ऑन द स्पॉट वहां सजा जो भी उन्हें देनी होती है, कट टू कट. हमारे हिंदुस्तान में पता भी, मैंने मर्डर किया देख भी लिया, मैंने फायरिंग भी की, सारा कुछ मिल भी गया, फिर भी वो सालों, जैसे कि हमारी अभी मैडम कह रही हैं कि कोर्ट में डेट इतने, सब ही जगह, कौन सी जगह पॉपुलेशन नहीं है, कहां लोग नहीं है, कहां क्राइम नहीं होते, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में इसलिए क्राइम बंच के बंच कोर्टों में पड़े हुए हैं कि बिकॉज ऑफ दिस के एक डेट मिलती है, एक डेट को जज साहब नहीं है, एक डेट को हमारे वकील नहीं है, एक डेट को आरोपी बीमार हो गया, एक डेट
मीन्स हमारे यहाँ सालों से जब हमें पता है कि सामने वाले ने गोली मारी है, प्रूफ है, एवरीथिंग है, तो क्यों नहीं? निर्भय का भी मैंने तभी कहा था, वो सामने सारे एविडेंस पड़े हुए, तो क्यों इतने साल ये वेट कर रहे थे? वो माइनर, वो बच्चा बड़ा हो जाएगा उसके बाद उसको छोड़ दिया जाएगा? मुझे, मेरे समझ से तो मुझे नहीं हजम होता। नाज़नील जी, कानून का जिस तरीके से इलास्टिक वे में, जैसे कि बोला कि खींच तान के उसको लंबा कर देना, उसकी जो समय अवधि है उसको बढ़ा देना, इस तरीके के मामलों वो होता है, सब केसों में होता है। और ऐसे लोग थक के 25-25 साल के बाद वापस हो रहे हैं रेप केसेस हो जाए, लेकिन उन लोगों का बहुत बड़ा नुकसान है जो कानून की प्रक्रिया में विश्वास करते हैं, जो न्याय प्रक्रिया में विश्वास करते हैं, और फिर उन लोगों का भरोसा वैसा ही टूटता है जैसे निर्भया के परिवार वालों का टूट रहा है, जैसे देशवासियों का टूट रहा है। देखिए, अगर आप निर्भया के केस में बात करते हैं तो मैं कहूँगी कि जो चार है उनको डेथ पेनल्टी मिली है, विच इज रियली अप्रूव दैट कि गवर्नमेंट ने उनको दिया, राइट? ठीक है, अब अगर हम ये चीज़ अगर मैडम की बात सुनते हैं, जैसे मैडम ने कहा कि भाई जैसे कानून वेट कर रहा था कि भाई 3 साल कंप्लीट होगा फिर वो छूट जाएगा, तो मैं सिर्फ एक चीज़ पूछना चाहूँगी, कानून तो 3 साल पहले भी वही था ना? नहीं नहीं नहीं, वेट नहीं कर रहा था कानून, मैं राइट और रॉन्ग कहा? वेट नहीं कर रहा था कानून इतना लंबा छोड़ने की, उसको उस एज पे लाने की, वहाँ क्यों नहीं किया गया पनिश? और खास करके इस मैटर में स्पेशल कोर्ट भी असाइन हुआ था और फटाफट ट्रायल भी चला उसका, रिजल्ट सामने आया। शुरुआती दौर से ही ये पता था कि वो जो पूरा मामला 16 दिसंबर का हुआ, उस मामले में अगर कोई मास्टरमाइंड था जिसने सारे आइडियाज दिए, जिसने ब्रूटल वे में उस पूरे क्राइम को डिजाइन किया, वो वही था, वो वही नाबालिग शख्स था, ये सब कुछ जानते हुए तभी इस मामले में ये मांग उठाई थी कि आप इस मामले से थोड़ा सा अलग हटके देखिए कि अगर वो नाबालिग है तो क्या हुआ, उसके क्राइम करने की सोच को देखिए कि वो कितनी ज्यादा विकसित हो गई है, उस सोच को सजा क्यों नहीं मिलनी चाहिए? अगर आप ये कहेंगे तो मैं आपसे कहूंगी कि हमारी गवर्नमेंट से कहे कि भाई जल्द से जल्द वो बिल पास करे, डेफिनेटली इवन ही विल बी पनिश्ड द सेम वे जिस तरह चारों को मिला है, डेथ पेनल्टी मिली, इवन ही विल सफर फॉर द सेम, राइट? क्योंकि देखिए ना, अगर कानून 3 साल पहले भी बना था, उसके बाद ये बिल डाला गया, अगर ये बिल इन 3 सालों में फाइनल हो जाता या अमेंड हो जाता या एक्सेप्ट हो जाता, तो आज के दिन ये जजमेंट आता नहीं आता? नहीं। ये जजमेंट को डिफरेंट होता, राइट और रॉन्ग? तो हम ये किस चीज़ को, हम किसको ब्लेम करेंगे? आप कानून को तो ब्लेम कर नहीं सकते, आप अपनी गवर्नमेंट को ब्लेम कीजिए कि भाई जब राज्यसभा में आपको मालूम है कि 3 साल से ये पेंडिंग चीज है, तो आपने इसको 3 साल में हल क्यों नहीं किया? लेकिन रईस खान साहब, ब्लेम गेम में 3 साल बीत गए, अब और कितने साल इंतजार करना पड़ेगा, और कब तक हम यही सवाल उठाते रहेंगे कि आखिर निर्भया को इंसाफ कब मिलेगा? और इंसाफ नहीं मिल रहा है, ना इंसाफी हो रही है, तो कौन कर रहा है? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मुझे कहना पड़ रहा है कि हमारी जो सिस्टम हमारा है, जो आज बहुत सारे एक बिल की बात मैं नहीं कर रहा, बहुत सारे बिल ऐसे पेंडिंग पड़े हैं जो पब्लिक, सीधे डायरेक्ट पब्लिक को फायदा होएगा, लेकिन हमारा बहुत बुरी बात है, बुरी क्या बोलेंगे, ये समझ लो हमारा इतने बुरे दिन आ गए। अदर कंट्रीज में मैडम अभी कंपेयर कर रहे थे कि फटाफट वहाँ पे ट्रायल होता है, जजमेंट आते हैं, ऑर्डर्स आते हैं, हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं है? तो ये चीज़ सही बात, उनके उनसे मैं इत्तेफाक रखता हूँ, ऐसा कुछ होना चाहिए, स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, कोर्ट इंस्टीट्यूशन कोर्ट होनी चाहिए, और भी कोर्ट बढ़ने चाहिए, जजेस बढ़ने चाहिए, ताकि मैटर को फटाफट यहाँ पे डिजॉल्व मैटर होने चाहिए, ताकि रिजल्ट आए और जजमेंट आए, लोगों को न्याय मिले। नहीं, इस तरह अगर पेंडिंग पड़ा रहेगा तो निराशा ही हाथ आएगी और लोग ये एहसास करेंगे मुझे जस्टिस नहीं मिला, न्याय नहीं मिला। तो इस फीलिंग को खत्म करना पड़ेगा, इस एहसास को से लड़ने की जरूरत है हमें। दिल्ली में इस तरीके का वाकया हुआ था, पूरी दिल्ली सड़कों पर नजर आई थी, वो चाहे सोनिया गांधी के घर के बाहर प्रदर्शन हो रहे हो या राष्ट्रपति भवन के भीतर युवा वहां पर घुसने की कोशिश कर रहे हो या फिर इंडिया गेट, हर जगह जो सुरक्षा बढ़ा दी गई थी वो मुझे आज भी याद है वो तस्वीरें। लेकिन ठीक उसके 1 साल बाद गांधीनगर इलाके में एक छोटी सी बच्ची के साथ रेप की वारदात हुई। अब सवाल ये उठता है कि जो लोग भीड़ बन के कहीं जाकर प्रदर्शन करते हैं इस तरीके के मामलों में, जब उसी उन्हीं भीड़ में से कोई एक इंसान दोबारा से इस तरीके की हरकत करे, तो क्या सोच दोषी नहीं है? क्या हम पूरी तरीके से कानून व्यवस्था को हर बार दोषी ठहरा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सोच दोषी है। आप कानून को कहाँ, कानून कब आप लागू करता है? जब आप कोई क्राइम करके आते हो, उससे पहले आप कानून को कहाँ कसूरवार कह सकते हैं, राइट? यानी कि इस चीज़ के लिए तो ज़्यादा ज़रूरी है कि हम हमारे बच्चों का ट्रीटमेंट ऐसा रखें कि उन्हें औरतों की इज्जत करना सिखाएं, हमको तो रिस्पेक्ट करना सिखाना चाहिए। अब आप बताइए, जब मासूम बच्चियों का होता है उनके लिए आप किसको कहेंगे, राइट कि नहीं? यहाँ पे तो सोच दुश्वार हो जाती है ना लोगों की, कि सोच ही इतनी गंदी होए कि इंसान का ये हो रहा है। कानून तो उस वक्त इम्प्लीमेंट होगा ना जब कोई क्राइम हुआ, जब क्राइम होगा तो आप कानून पे आते हो। क्राइम करने से पहले हम क्राइम रोकने की कोशिश क्यों नहीं करते, राइट है कि नहीं? अब खुद ही सोचिए, अगर आपकी सोच इतनी गंदी होगी तो एक छोटी बच्ची बोल दो या 10 साल की बच्ची बोल दो कि या 20 साल की लड़की बोल दो, आखिर कानून, आखिर गुनाह आप करोगे तो जाहिर सी बात है आप कानून के पास जाओगे।
सकती कि कानून उसी वक्त आ रहा है ना जब गुना हो रहा है। हाँ। गुना अगर होगा ही नहीं तो कानून क्यों आएगा बीच में। हाँ। राइट, चलिए कि हम मान भी लेते हैं कि कानून की अपनी एक हद है, उसकी एक प्रक्रिया है, उसकी एक टाइम लिमिट है और वो उसी के अकॉर्डिंग मूव करने वाला है, लेकिन समाज में तो कई तरीके के परिवर्तन हो सकते थे, कई तरीके से समाज को इस बारे में जागरूक किया जा सकता था। नहीं, 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 लड़कियों को आश्वस्त किया जा सकता था कि वो सुरक्षित है, उनकी सुरक्षा के लिए कई ऐसी चीजें तैयार की जा सकती थी कि उनको लगता कि हाँ वो सुरक्षित है। 16 दिसंबर की तारीख ही ऐसी तारीख है जो एक काली तारीख के बन करके सबके जहन में उभरती है, सबके मन में उभरती है, लेकिन बाकी तारीखों में भी कई ऐसी लड़कियां हैं जो निर्भया बनी है। Exactly. इस बात को लेकर के चर्चा नहीं है, इस बात को लेकर के गंभीरता नहीं है कि हमें समाज को इस हिसाब से शिक्षित करने की। एग्जैक्टली, मैं वही कहना चाह रही हूँ कि एक निर्भय नहीं है, कितनी उस टाइम से आप लिस्ट खोल के देखिए हजारों इन लाखों की तादाद में अभी तक हो चुके होंगे ये चीजें। वो चीजों पे मैंने वही कहा ना, आपने स्टार्टिंग में किसी को पनिश नहीं किया तो मुझे आदत पड़ गई है चोरी करने की। मैंने आपसे वही कह रही हूँ कि आप जब तक उस चीज को कंट्रोल नहीं करेंगे, आप देखेंगे सोचेंगे वो कैसे कपड़े पहने थे, वो कहाँ मिला था, वो कैसे छेड़ा था, आप सालों इसमें निकाल देते हैं। भिल्कुल, भिल्कुल। और आप बात कहते हैं कि कानून सक्षम, मैं कानून का उल्लंघन नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं इस बात से भी बहुत नाराज हूँ कि आप उस चीज को इतना खींच देते हो। आज 20-20 साल से रेप के केस चल रहे हैं मैडम। आप मुझे बताइए कितना कितनी सहनशीलता एक औरत दिखाएगी एंड में, या तो वो हथियार डालेगी वो, या मर जाती है तब तक, या फिर ऐसा चीजें होती, ऐसा हमारा कानून कर देता है कि वो आदमी ना ना जिएगा और ना मरेगा। मेरे हिसाब से ये जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, और हमारे हिंदुस्तान में आप भी है, मैं भी है, इतनी बड़ी हो गई मैं, और अभी बूढ़े भी हम लोग होने को है, बट कैसा है कि ये चीजें मुझे आज तक नहीं रुकी है, आगे भी मैं ऐसा सोचती हूँ कि जिस हिसाब से जो हालात चल रहे हैं यही रहने वाले। ना तो मोदी सरकार ने आए थे तब उन्होंने बड़े आश्वासन दिए थे महिलाओं की ये सुरक्षा होगी, महिलाओं के लिए हम ऐसा करेंगे महिलाओं के लिए, लेकिन मुझे कुछ ऐसा नजर नहीं आया, मुझे तो और बदतर नजर आता है। बिल्कुल, हालांकि इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि हम सभी कानून व्यवस्था की इज्जत करते हैं, न्याय प्रणाली की हम इज्जत करते हैं, लेकिन उन सारी बातों को एक तरफ रखकर ये भी सोचने की जरूरत है कि अगर एक साल बाद, दो साल बाद, तीन साल बाद, या कई साल गुजर जाने के बाद भी अगर हम यही सवाल पूछेंगे कि किसके साथ क्या इंसाफ हुआ, तो जरा सोचिए कि ये विश्वास कितने और दिन तक कायम रह सकता है, या इस विश्वास को कायम रखने के लिए क्या कदम उठाने की जरूरत है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तमाम सवालों के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे, क्योंकि ये तो हमारे कानून में। नमस्कार, मेरा नाम है सूरज थापर। हाय, दिस इज पूनम जलन। हाय, मैं हूँ पद्मिनी कोल्हापुरे। हाय गाइस, मैं हूँ करण भाई। एंड यू आर वाचिंग लेमन न्यूज़। आप देख रहे हैं लेमन न्यूज़। एंड यू आर वाचिंग लेमन न्यूज़। और आप देख रहे हैं लेमन न्यूज़। आप देख रहे हैं लेमन न्यूज़। और आप देख रहे हैं लेमन न्यूज़। आपकी खबर हमारी नजर, आपकी खबर हमारी नजर, आपकी खबर हमारी नजर, आपकी खबर हमारी नजर, आपकी खबर हमारी नजर। देखते रहिए लेमन न्यूज, लेमन न्यूज, लेमन न्यूज, लेमन न्यूज, लेमन न्यूज, लेमन न्यूज। आपके घर आंगन से, आपके अपनों का हाल, गांव की बातें, शहर के हाल, सियासत की सरगर्मी और बदलते मौसम का हाल, यानी देश की खबर परदेश में। पूर्वांचल एक्सप्रेस,
चैनल वन, हर खबरों में धड़कती है देश की धड़कन। देश का तेजी से बढ़ने वाला आपका अपना न्यूज चैनल, चैनल वन न्यूज, अब डिश टीवी के डीटीएच पर भी उपलब्ध। तो देखते रहिए चैनल वन न्यूज, चैनल नंबर 567 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दिल्ली की उस काली तारीख को जिसे हम सभी 16 दिसंबर के नाम से जानते हैं, उसको 3 साल पूरे हो चुके हैं और 3 साल बाद भी हम यही सवाल पूछ रहे हैं कि कैसा इंसाफ है जो आज तक नहीं मिला, आखिर ये इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है। अब सवाल ये कि कानून व्यवस्था को लेकर के जिस डर की हम बात करते हैं, जो असल मायने में होना चाहिए आरोपियों के भीतर, जुर्म को अंजाम देने वालों के भीतर, वो डर उनके बजाय उन लोगों के भीतर है जो कानून में विश्वास करते हैं। सुंदरी जी, क्या आप इस बात को मानती हैं जो मैंने कहा? मैं तो विश्वास नहीं करती, क्योंकि मैंने देखा है और देख रही हूँ, शायद आप भी देख रहे हैं। विश्वास कैसे करेंगे आप मुझे बताइए। आज ये तीन साल का, इससे 15 साल पहले से रेप कैसे चल रहे हैं, अभी तक उसके रिजल्ट नहीं आए, कब आएंगे? यही मैंने कहा कि आरोपियों में डर नहीं है, जो लोग कानून में विश्वास करते हैं उनमें डर है कि वो कैसे आएंगे। तो आरोपी तो इसीलिए तो बन रहे हैं क्योंकि फैसला ही नहीं होता है, इसलिए रोज एक नया आरोपी बनता है। 15 साल से कोर्ट में ही तो जाना है, खड़े रहना है, डेट लेनी है, आ जाना है। तो मेरा कहने का सवाल यही है कि जब तक हमारा कानूनी सख्त नहीं होगा, इसकी एक कोई भी केस की, मर्डर केस हो, रेपिस्ट हो, कुछ भी हो, एक समय सीमा तय होनी चाहिए। 20-20 साल मर्डर केस चल रहे हैं, वो मर गया, उसका बेटा जा रहा है, ये कोई मतलब नहीं होता है। कोई टाइम लिमिट हमारे उसमें होनी चाहिए न्यायालय के पास कि भाई रेप केसेस है या छोटे बच्चों के, उनकी टाइम लिमिट इतनी है। तो लोगों को डर रहेगा कि हमारा 6 महीने में, 1 साल में जो भी होना है हो जाएगा। राजनीतिक पार्टियों पर सवाल उठा रहे थे हम, बीजेपी नेता योगेश शर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। योगेश वर्मा जी, माफी चाहूंगी गलत नाम बताने के लिए। योगेश जी, स्वागत है आपका लेमन न्यूज में। पहला सवाल मेरा यही है कि उस दौरान कांग्रेस की सरकार थी, हम सभी को याद है, और बीजेपी ने इस बात को लेकर के अपनी आवाज खूब बुलंद की थी कि निर्भया का साथ देने की जरूरत है, उसे न्याय मिलने की जरूरत है। अब क्या हुआ, आखिर बीजेपी इस बारे में क्या कुछ विचार कर रही है और क्या फैसला किया जा रहा है, क्योंकि निर्भया के परिवार वाले तो अभी भी दुखी हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं उनका ऐसा मत है कि इसको ज्यादा से ज्यादा समय अंदर रहना चाहिए, क्योंकि जो इसने कांड किया है ये एक पैशाचिक कांड है। पिशाच भी ऐसा नहीं कर सकते, जिस तरह की जघन्य हत्या इसने की है और जो कांड जो निर्भया के साथ हुआ वो अत्यंत ही भयानक और भयावह ऐसा बोल सकते हैं। और ये शैतान जो था, इसका मुख्य सूत्रधार था, तो उमा भारती जी हो चाहे सभी हो, जितने भी भाजपा के नेता हैं, उन्होंने भी कहा है कि इसको अंदर करना चाहिए। और इसको काफी समय, लेकिन हमारा संविधान में जुविनाइल एक्ट जो है और वो ये कहता है कि जुविनाइल होता है उसकी मैक्स टू मैक्स सजा 3 ही साल होनी चाहिए। लेकिन मेरा भी पर्सनल ऐसा मानना है कि इसको और स्पेशल केस करके इसको जितने हो सके उतने साल अंदर या फांसी की सजा होनी चाहिए। योगेश जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपका ये मानना है, लेकिन हमारा तो ये मानना है कि सिर्फ इसी मामले को स्पेशल वे में क्यों देखा जाए। हर लड़की जिसके साथ बलात्कार या रेप जैसी वारदात होती है, हर उस मामले को उतने ही स्पेशल तरीके से लेने की जरूरत है और उतनी ही तेजी से उस मामले में फैसला आने की जरूरत है। दूसरी बात ये कि अगर इस मामले में अमेंडमेंट के लिए कोई चीज बोली जा रही है या फिर इस मामले में कोई बिल अटका हुआ है, तो क्या नहीं लगता कि इस पे सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? आप लोग देश के विकास की बात करते हैं, जब आधी आबादी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेगी तो कहां ले जाएंगे विकास की इस लहर को? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है और ये तो सही बात है कि जो महिलाएं हैं इस देश की, जो बेटियां हैं इस देश की, वो सुरक्षित रहनी चाहिए। और सरकार अलग अलग बहुत सारे कदम भी उठा रहे हैं, कई सारे लॉ एक्सटेंजेंट किए गए हैं, इनको मजबूत किया गया है, इनको स्ट्रांग किया गया है, ऐसे कई सारे केसेस के अंदर। और आपने देखा कि मुंबई का शक्ति मिल का रेप का भी उसका बहुत जल्दी फैसला आ गया, ऐसे ही कई सारे और जो इस किस्म के जो अपराध है इसका फैसला
जल्दी करने लगी है कोर्ट। कोर्ट भी इस मामले में सजग हुआ है। ऐसे मामले महिला जजों के अधीन ही चलाए जाते हैं जो इसके अंदर कड़क से कड़क फैसले दे रहे हैं। हर चीज अपने तरीके से होता है, ये बहुत जेन्युइन केस है। लेकिन योगेश वर्मा जी, कड़क फैसला किसके हिसाब से? कानून के हिसाब से, आरोपी के हिसाब से, या वो विक्टिम जिसके साथ इस तरीके की घटना हुई है उसके हिसाब से, किसके हिसाब से सजा? समाज के हिसाब से होता है। समाज में मैसेज जाता है, सजा इसलिए करते हैं क्योंकि उसका इंटेंशन किसी एक व्यक्ति को सजा करना नहीं होता है, उसका मैसेज समाज में पहुंचाने का होता है। जी जी, तो समाज में वो लोग भी आते हैं जो पीड़ित परिवार वाले हैं, पीड़ित व्यक्ति है, या फिर अपने आप को पीड़ित की जगह पर देखने वाले लोग हैं। ये तमाम लोग समाज में आते हैं, मानते हैं आप इस बात को? बिल्कुल, बिल्कुल। पूरा समाज इस बात को लेकर के गुहार लगा रहा है कि कुछ तो कीजिए, 3 साल हो गए। हाँ, तो सब कर रहे हैं उसके अंदर। हमारे लॉ मिनिस्टर भी इस मामले में बहुत सीरियस हैं और उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। हाँ। और मुझे आशा है कि व्यक्ति छूटेगा नहीं, और अगर किसी रीजन से एक केस के अंदर अगर ऐसा कोई व्यक्ति छूटता है तो ऐसे बहुत सारे राजू का और दुनिया भर के ऐसे केसेस हैं। हाँ। कि इसके बाहर आने से कई सारे ऐसे केसेस देखे गए हैं। एक हमारे मलाड का भी एक ऐसा केस हो गया था, जुविनाइल जो था वो बाहर आया और उसने आकर के फिर हत्या की। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। लेकिन योगेश वर्मा जी, ये आशा किस बिना पर जगी है, मैं ये जानना चाहूंगी। आप कह रहे हैं कि हमें आशा है कि नहीं छोड़ा जाएगा इसे, जबकि हाईकोर्ट केंद्र की बोलने के बाद भी, केंद्र की तरफ से बात सुनने के बाद भी ये कह रहा है कि 3 साल से ज्यादा नहीं रोका जा सकता। या तो फिर हमारे देश का संविधान सर्वोपरि है, इसको डिसाइड करने वाली कोर्ट सर्वोपरि है। कोर्ट के बीच में सरकार नहीं जा सकती, सरकार के बीच में कोर्ट नहीं आ सकते। राजनीतिक पार्टियां एकजुट हो करके किसी मामले पर नया एक्ट तो ला सकती हैं, कुछ विचार तो किया जा सकता है। ना, क्या चल रहा है दिल्ली में, कोई राजनीतिक पार्टी कुछ भी, आपको लगता है कुछ नया आने में 3 साल का वक्त कम होता है? 3 साल में इस बात को डिसाइड नहीं किया जा सकता था? नहीं, ऐसा नहीं होता ना। जब मामला कोर्ट में है तो क्या लोकसभा उसके बीच में इंटरवीन कर सकती है? क्या आप बताइए, बिल लाने की बात कर रही हूं मैं, बिल लाने की बात। बिल आप तो बिल की हालत देख रही है ना, क्या हो रहा है लोकसभा में? तो कौन है इस हालत के लिए जिम्मेदार? कौन है अपने के लिए लड़ रहे हैं? जो रूलिंग पार्टी है वो पार्टी नहीं है, हमारी गवर्नमेंट है। इसके अलावा किसे जिम्मेदार मानते हैं आप? हेलो, हाँ योगेश वर्मा। हाँ, जी आप सुन रहे होंगे मुझे। मैं कह रही हूँ कि अगर आप इस बात को कह रहे हैं कि क्योंकि इस बीच में कोई भी इंटरवीन नहीं कर सकता, मेरा सवाल ये है कि कौन करेगा? या तो विपक्षी पार्टी या फिर रूलिंग पार्टी को इस बारे में बैठ करके चर्चा करने की जरूरत है। अगर आप उस दौरान विपक्ष में थे तो इस सवाल को लेकर के कई प्रश्न उठाए गए थे उस दौरान की रूलिंग पार्टी से, आखिर क्या कर रहे हैं आप लोग? नहीं देखिए, कैसा है कि मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के भी सब टॉप लीडर्स ने और इसका विरोध किया है और कोई ना कोई उसका हल निकलेगा। अभी वो एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं तो हम रिजल्ट से जानते हैं ना, कोशिशों को तो हम रिजल्ट से जानते हैं। आपने क्या कोशिश की? अगर वो रिजल्ट आ गया होता तो हर कोई इस बात की बात कह रहा होता कि बीजेपी ने ये काम कर दिया, इस कानून को वो लेकर आए और इस बात के लिए वाहवाही हो रही होती। आपको ये नहीं कहना पड़ता कि बीजेपी कोशिश कर रही है? देखिए, अभी जो तरीका है वो तो तरीका है इस देश का, उसको सुपर सीट करते हुए या उसको सुपर हाईवे के थ्रू करके और वो करना, जल्दबाजी में करना और उसका क्या नाम है, कई जगह पे उसका गलत प्रयोग भी हो सकता है। बहुत सारी सब चीजें हैं, वो सब चीजें सोच समझ के करनी पड़ती है। भावनाएं एक जगह है, प्रैक्टिकलिटी में कोई भी चीज को लाना ये एक जगह है। तो हमारी सबकी भावनाएं हैं, इस पूरे देश की भावना है, जिसके भी दिल के अंदर संवेदना है और जो उस बच्चे के साथ हुआ, जो भी उसको दिल में थोड़ी सी भी टीस है, उसकी ये भावना है और मेरी भी ये भावना है कि उस शैतान को बख्शना नहीं चाहिए। मैं आपको साफ ढंग से भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते आपको मैं कह रहा हूँ। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश वर्मा जी हमसे बातचीत के लिए। एक सवाल मेरा नाशनी जी आपसे है, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हम लोग एक दायरे में हैं, हम समय सीमा और ये दुनिया जान की बातें, लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि एक सोच देखिए कि एक क्रिमिनल आउट ऑफ द वे जाकर के किसी क्राइम को अंजाम दे देता है और आप न्याय प्रक्रिया में शामिल लोग, आप लोग जो समाज चलाने की बात करते हैं, जो समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, आप आउट ऑफ द वे जाकर के कोई कानून भी नहीं बना सकते? कानून कौन बनाता है? डेफिनेटली राज्यसभा में जब कोई बिल जाता है तो पास होना चाहिए। एक एक्ट पास होने के बाद ही इम्प्लीमेंट होता है, राइट? जिसे आप देखोगे तो लास्ट ईयर की बात है, एक एम्प्टी ड्रग करके बहुत चला था, राइट? जो जिसको क्या कहते हैं, एनडीपीएस में डाला नहीं गया था, राइट? वो रीजन था कि उसको एनडीपीएस में नहीं डाला गया था, तो उसको सेक्शन 328 ऑफ आईपीसी लेके जाया जा रहा था। क्यों? क्योंकि वो उस एक्ट को लाया ही नहीं गया था। अब एनडीपीएस में आया है वो, तो उसको एनडीपीएस यानी एक ड्रग्स के तौर पर ट्रीट किया जा रहा है। अर्लियर इट वॉज नॉट ट्रीटिंग एज अ ड्रग,
राइट तो यही चीज है कि जब उस चीज की इतनी ज्यादा हुई प्रशंसा, हर तरफ जाके लोगों ने उसके बाइट्स लिए गए, सब चीज की कि भाई इसका रुकाव कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो डेफिनेटली वो एक्ट आया। तो उसी तरह मैं चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पे भी सब लोग मिलकर इस एक्ट के लिए भी करें कि भाई जो 16 से लेके 18 साल की एज का जो है कि इफ दे आर डूइंग एनी हीनियस क्राइम तो उसको एडल्ट में लो, तो शायद वो भी आ जाए। बिल्कुल राइट। और एक दूसरी चीज बात है जो अभी बीजेपी के साहब ने कहा, आई रियली एग्री विद डेट कि हर इंसान है ना इमोशंस के साथ देखता है। राइट हम बाज़ ना इमोशंस में बह जाते हैं और हम ये नहीं सोच पाते हैं कि हम फ्यूचर क्या देखें, और कोर्ट के ऊपर जिम्मेदारी हर चीज की होती है। तो मैं ये कहती हूँ कि अगर वो ये सोच रहे हैं कि अगर वो जिसको इम्प्लीमेंट या इस कानून को अगर ला ही लेते या इस एक्ट को पास कर देते हैं कि भाई जो 16 से 18 साल की जो एज है उनको एडल्ट में काउंट की जाए, तो डेफिनेटली दे हैव टू थिंक अबाउट अदर थिंग्स ऑल्सो कि लाइक अगर किसी के लाइफ में अगर कोई इम्प्रूव कर सकता है, बिकॉज नोबडी इज अवेयर अबाउट इट कि किसी की एज कितनी होगी। हो सकता है वो 60 ईयर्स जिए, हो सकता है वो 70 ईयर्स जिए, या हो सकता है वो 12 ईयर्स ही जिए, पॉसिबिलिटी है ना। लेकिन अगर किसी इंसान में कोई चीज़ करके इम्प्रूवमेंट होता है, यही वजह है कि स्पेशल रूम्स जो है, स्पेशल होम्स बनाए गए हैं और जुवेनाइल का जो है एक्ट बनाया गया कि भाई अगर वो उस चीज़ को करते हैं तो उनको इम्प्रूव करो, यानी कि उनको ज़िंदगी में मौका दो। लेकिन जो ये एक्ट है कि इफ़ दे आर डूइंग अ मर्डर और रेप, तो आई विल एग्री विद दैट कि भाई उनको एडल्ट में शामिल करना चाहिए, यानी कि इतनी बड़ी चीज़ हो जाती है कि कोई इंसान अपनी ज़िंदगी से चला जाता है। बिसाइड डेट अगर वो ये सोच रहे हैं कि हम सिर्फ मर्डर और रेपिस के लिए सोच रहे हैं कि भाई ये 16 और 18 एज को जो एडल्ट माना जाए या ना माना जाए, तो गलत है। उन चीज़ के लिए आप उनको काउंट करो, लेकिन उसके अलावा अगर उस एज के बच्चे कुछ और कर रहे हैं, अगर आप सोच रहे हो, तो आई मस्ट से कि सोचो कि उनको एक मौका मिले। राइट लेकिन रेप जो कि बहुत ही घिनौना काम होता है, हद से ज़्यादा घिनौना, यानी किसी लड़की की इज्जत खराब करना इज नॉट अ जोक, इन चीज़ और मर्डर यानी कि किसी की ज़िंदगी ही चली जाती है, हो सकता है वो बेटी हो, माँ हो, बच्चा हो, कुछ भी हो सकता है, वो इट्स रियली अ बिग क्राइम। तो इन दो मसलों को लेकर अगर वो लोग सोच रहे हैं कि भाई उन 16 से 18 ईयर्स के लोगों को एडल्ट माना जाए, तो इवन आई एग्री विद दैट। लेकिन इस दो क्राइम के अलावा अगर वो सोचते हैं तो मैं खुद चाहूँगी कि वो सोचे क्यों, क्योंकि हर चीज़ को अगर एडल्ट में काउंट की जाएगी तो जो कुछ बच्चे हैं इम्प्रूव होना चाहेंगे वो इम्प्रूव नहीं हो पाएंगे, उनको एक लाइफ में मौका नहीं मिल पाएगा। हाँ हीनियस क्राइम आप कंसीडर करके चलो, हीनियस क्राइम के बिसाइड अगर आप सोच रहे हो उनको एडल्ट नहीं मानना, तो आप मान सकते हैं। राजू बागमारे साहब हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं, कांग्रेसी नेता हैं, उस दौरान इनकी सरकार थी और अब बीजेपी की सरकार है, इस मामले में तब भी कुछ नहीं हुआ था और आज भी इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि क्या कुछ हो रहा है। राजू बागमारे साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका लेमन न्यूज में। जानना चाहूंगी आपसे कि निर्भया कांड को आज 3 साल पूरे हो चुके हैं, सरकार बदली और बहुत उम्मीद थी कि बदली हुई सरकार से कुछ हो जाएगा, नए कानून और शायद कुछ ऐसे बदलाव जिसको लेकर के हम कहेंगे कि अगली निर्भया कम से कम अब समाज में नहीं होगी। क्या आप देख रहे हैं इस 3 साल में कितना बदलाव नई सरकार ने किया है और क्या कुछ बदलाव होने चाहिए? नहीं, अगर बदलाव की बात अगर हम करते हैं तो कानून और सुव्यवस्था के मामले में इस नई सरकार ने पूरी तरह से जनता को निराश कर दिया है। कानून सुव्यवस्था का मामला अगर आप देखते हो तो पूरी देश के अंदर, हर राज्य के अंदर क्राइम की संख्या बढ़ी हुई है, और जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहा है तो इस सरकार ने जो उपाय करने चाहिए वो कोई भी उपाय ये सरकार नहीं कर पा रही है। रही बात निर्भया हत्याकांड की, तो जो नाबालिग लड़के को छोड़ा जा रहा है उसी वक्त हम भी कह रहे थे कि कानून को बदला जाए। आज इस सरकार को आने के बाद 2 साल होने को आ गए, इनके हाथ में वो ताकत थी, सरकार थी कि जो ये कानून को बदल सकते थे, लेकिन आज 2 साल होने को आए इन्होंने इस कानून को बदला नहीं। यही ताकत उस दौरान कांग्रेस के हाथ में भी थी, मुझे आज भी याद है वो तस्वीरें जब सोनिया गांधी के घर के बाहर लोग जाकर के प्रदर्शन कर रहे थे। मेरी 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 बात सुनने दो जी, कानून को बदलने के लिए या कानून को पारित करने के लिए उसमें अमेंडमेंट की जरूरत होती है, एक नया एक्ट लाना होता है जी। उस वक्त ये सब होने के बाद देखिए इसमें 2 तरीके से उपाय किए जाते हैं। एक उपाय ये हो सकता है कि जो नाबालिग लड़के हैं या लड़कियां हैं उन्होंने जो कानून को तोड़ा है और उन्होंने जो क्राइम किया है उस क्राइम की पात्रता को देखना चाहिए, उस क्राइम के डीपनेस को देखना चाहिए। अगर वो कानून या वो क्राइम इतना अगर उन्होंने
गंदा किया है तो उनको एडल्ट करके ट्रीट किया जाए। जैसे कि अगर आपने दुनिया के अलग अलग देशों में देखा गया है, अमेरिका का उदाहरण देखिए, अमेरिका में अगर नाबालिग के हाथों से अगर कुछ क्राइम होता है और क्राइम की व्याप्ति इतनी ज्यादा और घिनौनी होती है और बहुत गहरी होती है तो उस कानून के दौरान उस नाबालिग को बागमारे साहब, मैं समझ रही हूँ आपकी बात को और इन तमाम बातों पर, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा भी हो चुकी है। समय क्योंकि कम है इसलिए मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि कानून में अमेंडमेंट या इसके ऊपर अगर कोई सोच विचार करेगा तो कौन करेगा? देश की राजनीतिक पार्टियाँ, कांग्रेस, बीजेपी और दूसरी तमाम राजनीतिक पार्टियाँ? क्या इतनी मेच्योरिटी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से दिखाई गई कि इस मामले में अब बातचीत की जाए? और अगर दिखाई गई होती तो क्या आपको लगता है 3 साल बाद भी हम खाली हाथ होते? नहीं, देखिए, जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस ने आज तक इस तरीके के कानून के लिए कभी भी अपना पाठिंबा जाहिर किया है, अपनी मदद की है। हमने उस वक्त भी बोले थे कि ये कानून को बदलना चाहिए, तो इसीलिए हम बात कर रहे थे कि अभी 2 साल होने को आए, इस सरकार ने इस कानून के ऊपर कुछ निर्णय लेने अपेक्षित थे, लेकिन बीजेपी की सरकार जो है ना कुछ निर्णय ले रही है ना उसके लिए कुछ एक्ट अमेंड कर रही है। अगर विपक्षी पार्टी का काम ही यही है कि आप सवाल उठाएंगे यहाँ पर, क्या ये भी बताने की जरूरत है कि विपक्षी पार्टी अगर इस मुद्दे पर सवाल उठाए तो सरकार को या तो जवाब देना होगा या फिर इस मामले में कदम उठाना होगा? हमने इस सवाल के ऊपर, इस घटना के ऊपर हमने सवाल जताए है, हमने सरकार को ये मांग भी की है कि अगर आप कानून नहीं बदल सकते तो कम से कम अगर कानून अगर घिनौना है तो उसके लिए जो अमेंडमेंट करनी चाहिए वो अमेंडमेंट उनको करनी चाहिए। वाघमारे जी, महिलाओं के साथ बढ़ रही जो अपराध की घटनाएं हैं उसको देख करके तो ऐसा लगता है कि राजनीतिक पार्टियां अगर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के कभी विचार करती है तो शायद वो सिर्फ दिसंबर का महीना होता है, क्योंकि इसमें एक तारीख आती है 16 जिसे हम इस तरीके से देखते हैं और शायद यही वजह है कि इसी महीने में इस बात को लेकर के चर्चा भी होती है। नहीं, अगर इस बात को अगर देखा जाए तो अगर आप देख सकते हो इस बात को कि जब से बीजेपी की सरकार इस देश में आई है, अगर कायदा सुव्यवस्था का, क्राइम का ग्राफ अगर आप देख रहे हो तो क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है। जाति जाति में तनाव आते जा रहे हैं, महिलाओं की जो परिस्थिति है वो महिलाओं की परिस्थिति बहुत गंभीर होती जा रही है। हर जगह बलात्कार और रॉबरी जैसे राजनीतिक रंग हो रहा है, ये नहीं चाहते हैं। नहीं, राजनीतिक रंग नहीं चाहते हैं हम, तो ये कह रहे हैं कि अगर महिलाएं असुरक्षित हैं, अपनी असुरक्षा को लेकर के सवाल उठा रही हैं तो रूलिंग पार्टी और विपक्षी पार्टी ही इस बारे में चर्चा करके किसी नतीजे पर पहुंच सकती है, कोई अमेंडमेंट कर सकती है, कोई बिल ला सकती है। उस बारे में विचार कीजिए, बौद्धिक रूप से उस बारे में सोचने की जरूरत है, मौखिक तरीके से कुछ नहीं चाहिए। देखिए, पॉलिटिकल बात मैं नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं यही बात बताना चाह रहा हूँ कि कानून को बनाना या अमेंड करना ये जो काम है, ये जो अभी सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनके हाथों में है। विपक्षी दल का जो काम है आवाज उठाने का, वो काम हमारी पार्टी, कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से कर रही है। रही बात कानून को अमेंड करने की या नया कानून लेके आने की, कुछ हो तो नहीं पा रहा है। नहीं, हम तो हमारी तरफ से कोशिश कर रही है जो काम करने का और कानून को अमेंड करने का जो तरीका लेके आना है वो तरीका लेके आने का काम ये सत्ताधारी बीजेपी पार्टी को करना है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बोल चुका हूँ कि क्राइम का रेट इस 2 साल में बढ़ चुका है, इसके लिए हमारी ये मांग है इनसे कि ये अच्छी तरह का कानून लेके आए और इस देश में कायदा और सुव्यवस्था की स्थिति बनाने के लिए काम करे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया वाघमारे साहब लेमन न्यूज से बातचीत करने के लिए। दिली तौर पर हम भी यही चाहते हैं कि इसी तरीके से सुधार की बात हो, समाज में जब हम किसी मंच पर बैठ करके इस बारे में चर्चा करें तो किस तरीके से हमने विकास किया, किस तरीके से बदलाव हुआ, इस बात पर चर्चा हो, बजाय इसके कि क्या क्या ऐसा घटित हो रहा है जिसे हमें शर्म आती है। क्योंकि कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में हम पहुंचे हैं, सुंदरी जी, आखिरी कमेंट इस बारे में आपसे लेना चाहूंगी। 3 साल हो चुके हैं, आगे किस तरीके से क्या हो, क्या सोच है एक समाज सेवी के तौर पर, क्या आप चाहती हैं किस तरीके का बदलाव? देखिए, आपने अभी पार्टी से पहले एक बीजेपी से पूछा तो उनका आपने सुना बयान, वो सोचेंगे, देखेंगे, करेंगे, खाएंगे, सोएंगे। अगर यही चीज सत्ताधारी के किसी बच्चे के साथ हो, पहली बात तो होगी नहीं, इसलिए ये चीजें बढ़ रही हैं। उनके साथ हो नहीं सकती क्योंकि उनके साथ सारी प्रोटेक्शन रहती है और आम लोगों के साथ ये सब रहता नहीं, इसलिए आम लोगों के साथ ये होता है। करें क्या, सुझाव क्या है?
सुझाव में तो यही कहूंगी कि ये जब तक ये जो कानून के हाथ में है नहीं, न्यायालय के हाथ में नहीं है कि जब तक वहां से अमेंडमेंट नहीं होगा उनके हाथ बंधे हुए, तो ये कब खोलेंगे? 5 साल पूरे हो जाएंगे, ये भी चले जाएंगे। राजनीति मत कीजिए, काम कीजिए। आप ये सुझाव देना चाह रहे हैं। रईस खान साहब, आपसे आखिरी कमेंट इस बारे में मैं लेना चाहूंगी। डेफिनेटली यहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, यहाँ पे एक सोच एक साथ सबकी होनी चाहिए। और ये जो बिल ऑर्डिनेंस पेंडिंग पड़ा है इसको जल्द से जल्द पास करें, क्योंकि अगर नहीं पास होंगे तो वापस इस तरह के क्राइम्स रिपीट होते रहेंगे और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है हमारे हिंदुस्तान की। यही कहूंगी जो बिल पेंडिंग है राज्यसभा में उसको जल्द से जल्द लाएं, और ताकि हमारे कुछ तो इम्प्रूवमेंट होंगे, वरना यही होगा कि भाई 3 साल के बाद भी यही क्वेश्चन अराइज होगा कि भाई ये क्यों छूट गया था और क्यों छूटा है और कब तक छूटा रहेगा। क्वेश्चंस बंद नहीं होंगे, बंद करना है तो जाहिर सी बात है कि एक्ट को अमेंड करना है। और इस मैटर को हाई सुप्रीम कोर्ट में भी अपील में जाना चाहिए, एसएलपी फाइल होनी चाहिए, अपील में जाने तक के अमेंड हो जाए। डिवीजन बेंच का डिसीजन है, अपील में जाना चाहिए। कुछ तो करिए मोदी जी, ये आपके हाथ में है। एक दिन में होता है, आप चाहते हैं तो आप फॉरन एक दिन में चले जाते हैं, तो जनता के लिए अगर आप करेंगे तो इनके लिए बहुत अच्छी बात। चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, स्टूडियो में आने के लिए। लेकिन यहाँ पर ये बात खत्म नहीं होती बल्कि यहाँ से शुरू होती है। 3 साल हो चुके हैं, अब और वक्त बर्बाद ना किया जाए, वक्त को और लंबा ना खींचा जाए, क्योंकि निर्भया सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। हमने मुंबई में भी कई निर्भया को देखा है, हमने हरियाणा में भी देखा, और देश के अलग अलग कोनों में जो निर्भया का जन्म हुआ और जिस तरीके से निर्भया ने अपनी अस्मत के लिए जो लड़ाई लड़ी है, इसको लेकर के आवाज उठ रही है। और शायद देश की राजनीतिक पार्टियां जो कि जनता का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, ये उनका फर्ज बनता है कि अब उस प्रतिनिधित्व को दिखाते हुए वो ये विश्वास आधी आबादी को दिलाए कि महिलाएं इस देश में सुरक्षित हैं, और अगर नहीं है तो उनकी सुरक्षा के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। फिलहाल हमारी इस चर्चा में इतना ही, लेकिन कुछ और खबरों के लिए आप बने रहिए लेमन न्यूज के साथ। नमस्कार।